प्रत्येक विद्यालय स्तर पर जो भी छात्र जो इस विज्ञान मेले के तहत तीन चार तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्रादर्श प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चा अपनी रुचि का मॉडल बनाते हैं, और एक क्विज प्रतियोगिता होती है जिसमें साइंस से लेकर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ होना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। हाँ, ये RSCRT उदयपुर से, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर की ओर से प्रतिवर्ष छात्रों के अंदर विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, उनमें वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सरकार की ओर से जिला स्तर पर विज्ञान मेला आयोजित होता है। इससे पूर्व 28 सितंबर को विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। तो प्रत्येक विद्यालय स्तर पर जो भी छात्र जो इस विज्ञान मेले के तहत तीन चार तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्रादर्श प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चा अपनी रुचि का मॉडल बनाते हैं, और एक क्विज प्रतियोगिता होती है जिसमें साइंस से लेकर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, और एक सेमिनार होता है जिसमें बच्चा अपना लेख जो भी है विज्ञान को लेकर के, विज्ञान विषयों को लेकर के, अलग अलग जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उनके ऊपर अपना आलेख तैयार करके और यहाँ पर उसको प्रस्तुत करते हैं। इन गतिविधियों के तहत विद्यालय स्तर पर चयनित बच्चे जिला स्तर के ऊपर भाग ले रहे हैं। अभी तक जिले से 45 स्कूलों के 221 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि राजकीय अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक गतिविधि के अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर चयनित बच्चे जो हैं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो है वो 18 से 21 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जिसकी आयोजन स्थल की सूचना पृथक से इन छात्रों को अवगत करा दी जाएगी। जी, पूरे अजमेर जिले से, पूर्व जिले के अनुसार, यानी इसमें केकड़ी और ब्यावर जिले के बच्चे भी शामिल हैं। एकीकृत जिला, यानी पुराने जिले के हिसाब से, अर्थात केकड़ी और ब्यावर जिले के छात्र भी इसमें भाग ले रहे हैं। क्या दर्शा रहे बच्चे? क्या चीज़ विज्ञान को लेकर के अपनी, इनकी जो भी जिज्ञासा या इनके दिमाग में जो परिकल्पना का जो फ्रेम ये निर्धारित करते हैं, किसी भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, उन टॉपिक्स पर अपनी परिकल्पना के आधार पर ये मॉडल बनाते हैं और मॉडल यहाँ प्रदर्शित करते हैं। हमारे विज्ञान के व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याताओं कि निर्णायक गणों की एक टीम तैयार करी गई है, विज्ञान विषय के विशेषज्ञों की, निर्णायकों की टीम तैयार करी गई है, वो इनको जजेस करेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे और उनके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर जो चयनित बच्चे हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शाहबुद्दीन चीता, अतिरिक्त